दमोह के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने 3 दिनों से जारी विस्थापन के खिलाफ में धरना प्रदर्शन आखिरकार कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम के पहुंचने पर दिए गए आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय के सर्रा क्षेत्र के 18 गांव के लोग यहां नौरदही वन अभयारण्य तहत विस्थापन की चपेट में आ रहे थे, जिसके विरोध में पिछले 3 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष चल रहा था, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी रहे जबीरा के विनोद राय सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई थी। तेंदुखेड़ा एसडीएम अविनाश रावत द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद में कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे विस्थापित जनों के नेतागणों ने जहां अपने वस्त्र धारण किए, वहीं उन्होंने जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आगे पुनः इस तरह के धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी प्रशासन को दी।